प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, कर चुका है, कर चुकी है. ओके तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये सब क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट है इसके अंदर, हैज हैव है, वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हैज हैव, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. चलिए मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन द वर्क. वी हैव सीन यू, हमने तुम्हें देख लिया है. आई हैव गिवन हिम अ बुक, मैंने उसको एक बुक दी है. दैट गर्ल हैज परचेज्ड अ स्कूटी. अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं, ही हैज कम हियर, यू हैव मेट हिम, यहां पे यू के साथ क्या आ रहा हैव, क्या है तो ये सिंगुलर. अब अगर आप बाकी सिंगुलर सेंटेंसेस देखो, ही के साथ क्या आ रहा था, हैज, ये भी दैट गर्ल है, इकलौती है, सिंगुलर है, क्या आया हैज. आई क्या है, सिंगुलर है, बट क्या आया हैव. एंड वी क्या है, प्लूरल, क्या आया हैव. तो प्लूरल के साथ तो हमको पता है, चाहे हम वी यूज करें, दे यूज करें, वी आर यूजिंग हैव. बट अगर ही, शी, इट है, तो हमने क्या यूज किया, हैज. बट देयर इज एन एक्सेप्शन, जब आई यूज कर रहे हैं तो आई के साथ भी आपको हैव यूज करना है. डजंट मैटर कि आई सिंगुलर है, बट ये एक एक्सेप्शन है कि आपको आई के साथ क्या यूज करना है, हैव. ऐसे ही आपको यू के साथ भी हैज यूज नहीं करना है, यू के साथ भी आपको यूज करना है हैव. ओके, दे हैव गॉन टू विलेज, दे के साथ दे प्लूरल है, तो हैव आ गया, आई के साथ क्या हो गया, हैव. अब सब में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सीन, गिवन, परचेज, कम फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये कम केम, कम वाला कम है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मेट, मेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मीट की क्या होती है, मीट, मेट, मेट. ओके, ऐसे ही दे हैव गॉन एंड दे हैव डन, डू, डिड, डन. ओके, अब आ गया आपका नेगेटिव, इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट. क्लियर, नो वन हैज कम हियर, नो वन, यहां कोई नहीं आया है, कैन यू सी इट, हो गया ना नेगेट, नो वन. सो यू शुड रिमेंबर हाउ ट्रिकी इट कैन गेट सम टाइम्स, सो यू नीड टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली. Okay, the teacher has not taught the lesson, has not, teach ka kya hota hai, teach, taught, taught. Okay, the teacher has not taught the lesson. Okay, Arnavi has not taken the money, Arnavi ne paise nahi liye hain, he has not helped, take, took, taken, help ka kya hai, helped, helped, कम केम कम अगेन. तो फादर के साथ सिंगुलर एंटिटी हैज आया, ही भी सिंगुलर हैज आया, अर्नवी भी सिंगुलर हैज आया, और आगे साथ में हमने, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने क्या लगा दिया, नॉट. चलिए इंट्रोगेटिव अगेन, डब्ल्यू एच फैमिली, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो Have you bought a new mobile? Have you bought a new mobile? तो यहां पे क्योंकि यहां क्या से स्टार्ट हुआ गाइस, क्या से, इसलिए हमने डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर ना यूज करते हुए has, have में से पिकअप किया है. तो have, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड the ऑब्जेक्ट. क्लियर, Have you sold the car? So, आपने ये भी देखा है कि थर्ड फॉर्म आ रही है have के साथ.
हमने बीच में वही चीज फॉलो करी, हैव यू सोल्ड कार, सारी चीजें रूल की हमारे कवर हो गई हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन शुरू किया क्या से. बट अगर मैं कहती हूं वे दोनों कहां गए हैं, वेयर हैव दे बोथ गॉन, तो यहां पे क्योंकि बीच में आया है और वेयर यूज होता है कहां के लिए, तो हैव दे बोथ गॉन. हैज ही गॉन टू विलेज, ऑफकोर्स हैज आएगा, है ना. हैज फादर टेकन डिनर, क्या पिताजी ने डिनर कर लिया है, क्या फादर ने डिनर कर लिया है, इसलिए हैज फादर टेकन डिनर. ओके, सो यू कैन चेक दैट इट इज गोइंग इन लाइन विद द रूल दैट आई हैव स्टेटेड अबव. ओके ओके, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, फ्रॉम वेयर, कहां से. ओके, तुम कहां से आए हो, यहां खाली कहां नहीं है, कहां से, फ्रॉम वेयर. ओके, आगे हम एक और चीज डिस्कस करेंगे सिंस और फॉर की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और जनरली बच्चे उसमें गलती करते ही करते हैं कि सिंस कब यूज होता है और फॉर कब यूज होता है, तो विल डिस्कस दैट अहेड. ओके, फ्रॉम विच कॉलेज, किस कॉलेज से, फ्रॉम विच शॉप, किस दुकान से. ओके, सो अगेन बाकी चीजें वही की वही रहेंगी. ऑलराइट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल आप लिख सकते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आ गया आपका ऑब्जेक्ट. क्या इस घर में कोई नहीं आया है, Has no one come in this house? Question mark. Okay? तो यहां पे negate हो गया. Same चीज. Has have subject verb की third form. This can be object in this house. We're talking about this house. Okay? Then why have you not worked hard? Why have you not worked hard? Same चीज है. बट यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का यूज हो गया और हमारा हैव यूज हो गया, सब्जेक्ट यूज हो गया, नॉट यूज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई है. ऑलराइट, और हार्ड क्या है, एक एडजेक्टिव. ओके, हु हैज नॉट बॉट द बुक्स फ्रॉम द शॉप, किसने, इसलिए हु, पिताजी इस बारे में किससे, टू होम. आर यू गेटिंग द डिफरेंस, फ्रॉम विच क्या था, किस जगह से, आगे हमने क्या यूज किया, टू होम, किससे, ऐसे ही कौन सी, तो ऑफकोर्स विच यूज होगा. क्या तुमने इस कॉलेज से परीक्षा पास नहीं करी है, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में वापस यहां पे आ गया, तो हमने क्या यूज किया, हैव. बाकी सारी चीज सेम है, नॉट लग गया सब्जेक्ट के साथ. ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्ट. चलिए, एज आई वाज स्टेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सिंस कहाँ यूज होता है, जहां कोई निश्चित बात करी गई है. ओके, सर्टेनिटी. ओके, तो और फॉर जो यूज हो रहा है वो किसी ड्यूरेशन के लिए या कुछ चीज सर्टेन नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंस का यूज देखते हैं, टाइम के लिए यूज हो रहा है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 AM. ओके, आई नीड द एग्जैक्ट थिंग. ठीक है, व्हेन यू हैव समथिंग और You know something, तो आप कहेंगे मुझे पता है कि ये इस टाइम से ये चीज हो रही है, तब आएगा आपका सिंस. सिंस 1988, आपको साल पता है, 2005, 2009, 2012, ये सब क्या है, सर्टेनिटी है. सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे आई एम हियर, तब से मैं यहीं पे हूं. ओके,
आई हैव बीन हियर सिंस दिस डेट. ओके, सिंस मॉर्निंग. आप अपने चीजें नोट कर लीजिएगा, चाहे आप डेज के नाम कर रहे हैं, चाहे आप ईयर लिख रहे हैं, चाहे आप एग्जैक्ट टाइम लिख रहे हैं, हमने क्या यूज किया है? सिंस. ऐसे ही अगर आप देखें, अगर आप दिन का भी समय बता रहे हैं कि मॉर्निंग है इवनिंग है, तब भी आप क्या यूज करेंगे? सिंस. आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग. ओके, सिंस यस्टरडे शी हैज बीन इल, बीमार है वो कल से. ओके, ऐसे ही डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड. आई एम अ फैन ऑफ दिस, बोलते हैं ना, तो यहां पे क्या आएगा? आई हैव बीन अ फैन ऑफ दिस, दैट इज मोर एप्ट. ओके, देन सिंस दैट डे, सिंस माय डैड वाज बॉर्न. तो कोई चीज यहां पे, कोई डेट है, ईयर है, कुछ नहीं है ना, बट यहां पे एक सर्टेनिटी है. ओके, फॉर कहां यूज होता है? के लिए. देखा जाए तो फॉर, आई एम टेकिंग इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले रही हूं, है ना, यहां यूज होता है. अगर हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, फॉर 2 seconds, 2 seconds के लिए, फॉर 5 minutes, 6 minutes, 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, 2 months, 2 years, centuries, etc., etc. We'll discuss, okay? फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग, फॉर मेनी डेज, आवर्स, इतने दिनों के लिए, इतने सारे दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए. सर्टेनिटी नहीं है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? फॉर. ओके.